नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा कि शाला दर्पण जो चलता है, शाला दर्पण में अपन डाटा वेरिफिकेशन 1 से 7 तारीख के बीच जो पॉपअप ओपन होता है हर महीने की 1 से 7 तारीख के बीच, जिसमें पूर्व के डाटा को अपन अपडेट कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताएंगे अपन, देखेंगे अपन। तो उसमें जो पॉपअप ऑन होता है उसमें 1 से 7 तारीख के बीच अपन को डाटा, पूर्व के डाटा अपडेट कर सकते हैं अपन आसानी से। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें डाटा का वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर निर्देशानुसार दिया गया है कि शाला दर्शन पोर्टल पर सूची में दर्शाए अनुसार दिए हुए पत्रों में पूर्व में भरे हुए डाटा का वेरिफिकेशन मासिक आधार पर एक बार वेरिफिकेशन अपडेट सेव लॉग बटन होना है। प्रत्येक माह की 1 तारीख से ऑटो अपडेट पॉपअप ओपन होता है। ये 1 से 7 तारीख के बीच ही रहता है, इसके बाद में ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। अगर इसमें अपन को कोई डाटा में चेंजिंग हो तो इसको आसानी से अपन अपडेट कर सकते हैं। और अगर अपडेट कर दिया है जैसे अपन ने, तो ये यहाँ पर ये अपडेट बताएगा। और अगर अपन ने जैसे पहले ये 3/6/17 को एक अपडेटिंग बता रहा है, उसके बाद में ये पेंडिंग डाटा में बताएगा। अगर अपन ने अपडेट इसको नहीं किया है, जैसे यहाँ पर ये एडिट स्कूल प्रोफाइल बता रहा है, अगर इसको अपन एडिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये पेंडिंग बताएगा। तो इस तरीके से ये 1 से 7 तारीख के बीच में ही खुलता है ये। और इस बीच में अगर अपन ने डाटा वेरिफिकेशन करना हो तो अपन आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पर नीचे जो क्लोज बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा और अपना काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन को अभी अपडेट डाटा एडिट स्कूल प्रोफाइल करना है, तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपन अपडेटिंग कर लेते हैं इसको, सेव, जो भी आंकड़े भरे हुए हैं इनको अपन ने सेव कर लिया और सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर और अगर आपको इसको ये आज की तारीख बता रहे हैं अपडेट 7/6/2017, लेकिन यहाँ पर एडिटिंग प्रोफाइल और एडिटिंग यहाँ पर ये क्लोज बटन दिया हुआ है, इसको बंद करने के बाद में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था मित्रों कि महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में जो एक पॉपअप ओपन होता है, ये पूरा पॉपअप का ही भाग है। तो इसको किस तरीके से अपडेट किया जाता है यही पत्र में पहले ही खुलता है। आगे से जो एक सिस्टम है शाला दर्पण का उसके अंतर्गत, तो इसमें अपडेटिंग करने के बाद में आप आसानी से इसको आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स मित्रों। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।